माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिंगल क्लिक द्वारा पीएम सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले से सहभागिता की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की सरकार है, अब गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचता है। पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से वंचित समुदाय के लोगों को सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। धार में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें गर्व है, भारत अपने विकास कार्यों के बल पर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले में आयोजित कार्यक्रम में शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन कर जगत के मंगल व कल्याण की कामना की एवं उनके भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर सिंगल क्लिक के माध्यम से रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि सागर जिले में भारत सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का भी विश्वविद्यालय है। हमारी सरकार ने शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में बनने वाले नए आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की। सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर तक सुगम यातायात के लिए सड़क निर्माण करने, मकरोनिया महाविद्यालय को आगामी सत्र में स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने, बंडा महाविद्यालय को भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में विकसित करने, भविष्य में सागर हवाई पट्टी को राज्य स्तरीय हवाई यातायात के माध्यम से जोड़ने और सागर के ग्राम सिरोंजा निवासी मोहित राजपूत को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडीदीप में आयोजित कार्यक्रम में 65 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को विकास की विभिन्न सौगातें दी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधायक श्री सुरेंद्र पटवा एवं अन्य गणमान्य जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज निवास कार्यालय स्मृति भवन में L&T कंपनी के अध्यक्ष श्री SN सुब्रमण्यम ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान L&T के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री EP सचित तथा महाप्रबंधक श्री मुरली मोहन मूर्ति भी साथ थे।